सिवान जिला के पचरुखी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां शुक्रवार को दोपहर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना पचरुखी थाना क्षेत्र के जसौली सुपौली स्थित रेलवे फाटक के समीप की है। घायल युवक की पहचान पचरुखी थाना क्षेत्र के इटवा गाँव निवासी सुजीत कुमार शाह पिता जय नारायण शाह के रूप में हुई है। इस मामले में परिजनों ने बताया कि सुजीत अपने साथी मेराज के साथ घर से निकला था। कुछ देर बाद खबर मिली कि सुजीत को अपराधियों ने गोली मार दी है। खबर मिलते ही सुजीत को सदर अस्पताल में परिजनों द्वारा लाया गया। इधर परिजनों और समाज सेवी श्रीनिवास यादव के देखरेख में इलाज किया जा रहा था। पुलिस भी मौके पर पहुंच कर जानकारी ले रही थी।